लगता है। और ये जो साइड में आप गैप यहाँ पे आ जाता है, अगर हम इस पर रैप करेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसीलिए हमने इस पर रैप नहीं किया है। और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि आप कहीं भी काम कराएं तो इस पर रैप ना यूज करें, क्योंकि ये एयरबैग वाला पीस होता है और एयरबैग खुलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू वन सेकेंड अयाज ऑटो कस्टम। और अयाज ऑटो कस्टम की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेटा 2020, जो कि हमने इसका इंटीरियर चेंज किया है। तो चलिए आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ। जैसे आपको पता होगा, ये जो डोर आता है ये होता है आइस ग्रे, तो इसको हमने कैमल के में किया है। जो इसके ग्रेन है, हमने ग्रेन इसके रिमूव नहीं कर रहे हैं। और जो ये पेंट है, ये लेदर सॉफ्ट फील्ड पेंट हमने किया है। और आप इसके फ्यूचर फिटमेंट देख सकते हो, आपको कहीं से ज़रा सी फिटमेंट में कहीं से फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और अब बात कर लेते हैं डोर आर्मरेस्ट की, तो ये होने वाला है ब्लैक, जो कि हमने इस इंटीरियर के साथ में मैच किया हुआ है, तो ये ब्लैक होने वाला है। और जो इस पर थ्रेड वर्क यूज़ हुआ है वो हुआ है कैमल कलर। इस पर हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग नहीं करी है, उसका रीज़न ये है कि जो साइड में आप देखते हो यहाँ पे गैप आ जाता है, इसलिए हमने इसकी कुशनिंग नहीं करी है। अब मैं चाहता तो इसकी कुशनिंग कर सकता था, लेकिन नहीं किया इसकी, क्योंकि इसमें फिटमेंट में दिक्कत होती है। अगर आप कहीं करवाते हो आप आफ्टर मार्केट, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे कुशनिंग जो आर्मरेस्ट पे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कहीं गैप तो नहीं आ रहा। आप कहीं भी काम करवाएं तो ये ज़रूर चेक करिएगा। बात करते हैं पावर विंडो, तो पावर विंडो हमने किए हैं मैट फिनिश में वुडन, जिसका टेक्सचर दिया है बिल्कुल वुड वाला टेक्सचर दिया है। और जिसका शेड है हमने इससे मैच किया हुआ है, इसके कैमल कलर का अंदर जो इसका शेड है हमने उसको शेड अंदर दिया हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि हमने खुद मैन्युफैक्चर किया है, हम कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं करवाते हैं। बात करता हूँ अपर डैशबोर्ड की, तो अपर डैशबोर्ड रहने वाला है अपना लेदर सॉफ्ट फील पेंट में, कैमल कलर में। और जो ये ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये हमने सीट के अकॉर्डिंग लाइन दी। मैं आपको भी सीट दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उसमें ब्लैक कलर की जो पाइपिंग दी है उससे मैच कर रहा है। और इस पर हम फैब्रिक यूज कर सकते थे, लेकिन एज कंपेयर फैब्रिक टू पेंट, पेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन तक चलता है। अकॉर्डिंग अपना लेदर या आर्ट लेदर या नापा लेदर, बाई अगर हम इस पर रैप करते हैं तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ता है, सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ता है, इस पर रोशनी आता है और हीट होके जो इसका बोस्टिक है वो निकलने लगता है। और ये जो साइड में आप गैप यहाँ पे आ जाता है, अगर हम इस पर रैप करेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसीलिए हमने इस पर रैप नहीं किया है। और मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि आप कहीं भी काम कराएं तो इस पर रैप ना यूज करें, क्योंकि ये एयरबैग वाला पीस होता है और एयरबैग खुलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करता हूँ मैं इस एसी वाले वेंट की, तो ये हमने किया है हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक में, क्योंकि ये मैट में आता है और इसमें हमने ब्रांड यूज किया, ये एंटी स्क्रैच पेंट है। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें स्क्रैच नहीं आते हैं। मैं आपको इसका डेमो भी दे सकता हूँ। ये मैंने देखो यहाँ पे स्क्रैच मारा और ये मैंने साफ किया, कहीं आपको स्क्रैच नहीं आएंगे। और इसकी वारंटी लॉन्ग लाइफ, जब तक आपकी गाड़ी रहेगी जब तक इसकी वारंटी है, और इसकी कहीं से ग्लॉस इसमें डलनेस नहीं आएगी। क्या होता कहीं मार्केट में अगर हम काम करवाते हैं तो क्या होता कुछ दिन के बाद डलनेस आनी शुरू हो जाती, बट ऐसा इसमें नहीं है। तो मैं बात करता हूँ स्पीडोमीटर वाले पैनल की, तो ये भी रहने वाला है अपना लेदर सॉफ्ट फील पेंट में। और इस पे कहीं भी मैं सजेस्ट करता हूँ, कहीं भी आप काम करवाएं इस पे तो भूल कर भी रैपिंग ना करवाएं,
नहीं तो यहाँ पे जो ये गैप आपको नजर आ रहा है ना, ये फिटमेंट बिल्कुल बराबर है। अगर आप कहीं रैप करवाओगे तो यहाँ पे गैप आएगी, जो बल्कि चीफ बिल्कुल भद्दा लगता है। और कहीं से आप इसकी फिटमेंट चेकर आप देखो, कहीं से आपको गैप नजर नहीं है, बिल्कुल OEM जैसी फिटिंग आएगी। इसका रीजन है क्योंकि ये जो कोटिंग करते हैं आफ्टर कोटिंग के बाद हम अपने ओवन में सुखाते हैं, उसके बाद जिसकी फिनिशिंग आती है, जो ओरिजिनल पेंट होता है उसी के हिसाब से ये भी वैसे ही पेंट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी काम करवाएं, मार्केट में भी करवाएं, आप कहीं भी करवाएं, लेकिन लेदर रैप ना करवाएं, क्योंकि लेदर रैप करवाने से यही होता है कि अगर यहाँ पे रोशनी पड़ती है, हीटिंग होती है, तो यहाँ से 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आपका यहाँ से कपड़ा जो अपना फैब्रिक होता है वो फूलने लगता है। और खासकर 8 लेदर में तो खासकर ना करवाएं। बात करता हूँ स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग हमने एज इट इज रखा है, इसको हमने कुछ नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि ये कंपनी देती है अपना लेदर में, प्योर लेदर में देती है, इसलिए हमने नहीं छेड़ा है। लोग बाग क्या करते हैं, कहीं से भी अगर स्टेयरिंग बन के आती तो उस पर इंटीरियर मॉडिफिकेशन के चक्कर में उस स्टेयरिंग को अपना लेदर वाले जो लेदर की रैपिंग होती है उसको निकाल के अपना 8 लेदर या नापा लेदर यूज़ करके कस्टमरों को बेवकूफ़ बना देते। लेकिन हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि भैया ये ओरिजिनल है, इसको आप मत छेड़ें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी काम करें, अगर आपकी ओरिजिनल स्टेयरिंग रैप है तो आप कहीं उसको खुलवाए नहीं, आप उसको एज इट रखें। हाँ, कुछ दिन बाद अगर वो ख़राब होती है तो आप उसको फिर से करवा सकते हैं। बात करूँ पिलर्स के, तो ऑल पिलर्स हमारे होने वाले हैं कैमल में, जो कि लेदर सॉफ्ट फील पेंट किया हुआ है। आप ये जगह इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। तो बात करते हैं सीट कवर की, जो सीट कवर पे हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो आपको मैं सीट कवर दिखाता हूँ। ये जो साइड में हमने डायमंड दिया हुआ है, इधर हमने सिंगल स्टिच करी हुई है इन साइड में, और ये आउटर में हमने ब्लैक कलर की पाइपिंग दी हुई है, जो कि मैं आपको डैशबोर्ड से दिखा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो, ये पाइपिंग इसी के अकॉर्डिंग हमने दी हुई है। और ये साइड आउटलाइन में जो है जितनी पाइपिंग, जो बाकी प्रीमियम लुक दे रही है सीट को। और बीच में हमने दिया है रूलिंग, ये बीच में जो आप देख रहे हो रूलिंग दी है, कस्टमाइज स्टिचिंग करी है, और जो यूज़ किया इसमें थ्रेडवर यूज़ हुआ है वो हुआ है कैमल कलर का। तो एक चक्कर आप देखना, प्रीमियम लुक बनाती है सीट कवर के डिज़ाइन को। अब बात कर लेता हूँ सेंटर आर्मरेस्ट की, तो ये भी हमने कस्टमाइज आर्मरेस्ट बनाया है, और जो इसमें ड्यूल कलर का थ्रेड यूज हुआ है। बैक साइड भी रहने वाला है अपना कैमल कलर में, आप इसके पीछे से फिनिशिंग दे सकते हो। ये जो हमारी जो लाइन जा रही है, स्टिच जा रही है, सिंगल आउट में जो हमने करी हुई, सिंगल स्टिच करी हुई है, और पीछे से आप जो कर फिनिशिंग देख सकते हो। और ये जो हमने कार ये बीडिंग जो पॉकेट का बीडिंग हमने ओरिजिनल बीडिंग यूज़ किया हुआ है, और जो इसका कारपेट है हमने इसका ओरिजिनल यूज भी किया हुआ है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो हम बताते हैं पहले कि जो हमारी ये सीट कस्टमाइज होती हैं, तो हम इस पर यूज़ करते हैं अपना कारपेट और इसका जो बीडिंग होते हैं हम इसका ओरिजिनल यूज़ करते हैं, तभी OEM जैसी फिनिशिंग आती है। तो बैक सीट पे लेके चलता हूँ, बैक सीट भी आप चेकर देख सकते हो, कहीं से आपको रिंकल नज़र नहीं आएंगे, आपको ना कहीं से सिढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी, फिनिशिंग बिल्कुल OEM जैसी है, और एकदम लुक बिल्कुल प्रीमियम लुक लग रहा है। मैं आपको चक्कर लुक दिखाऊं, पीछे से दिखाऊं। जो ये फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये हुआ है नापा लेदर, और इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये हमने 4 mm की इस पर पैडिंग कर रखी है, फॉर्मिंग कर रखी, और जो हमारा ये फैब्रिक आता है इसके अंदर ये लैमिनेटेड 2 mm की फॉर्मिंग होके आती है। इससे क्या होता है कि 2 mm ये और 4 ये टोटल 6 mm की फॉर्मिंग हो जाती है इस पर एक्स्ट्रा कुछ अपना एक्स्ट्रा कम्फर्ट होता है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि क्या होता है, जब अगर हम सीट इंस्टॉल करवा लेते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद क्या होता है, रिंकल आने लगते हैं, झोल आने लगता है। आप यहाँ ज़्यादातर देखते होगे तो यहाँ पे झोल आने लगता है सीटों पे। तो इस जो ये फैब्रिक हमने यूज़ किया, इस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत लाजवाब आती है, कहीं से आपको कहीं से रिंकल नज़र नहीं आएगी। हाँ, 2 महीने 4 महीने बाद कंप्लेंट के नो चांस, और मैं गारंटी ले सकता हूँ इसमें कहीं कंप्लेंट के चांस नहीं आते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।